हर एक व्यक्ति अपने घर में पेड़ पौधे अवश्य ही लगाता है और इसीलिए लगाता है जिससे उसके जीवन में और घर में हमेशा ही खुशहाली बनी रहे और घर के सभी लोग जीवन में आगे बढ़ते ही चले जाएं। लेकिन आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनको अगर घर की स्त्रियां लगा दें और उनका ध्यान रखना शुरू करें तो इससे घर में बहुत ही ज्यादा बरकत बनने लग जाती है। काफी लोगों की यही समस्या होती है कि उनके घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं होती है। धन तो वह सभी लोग कमाते हैं और धन की आमदनी होती भी रहती है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में घर में धन का कलेश हमेशा ही बना रहता है, धन हानि होती रहती है। तो ऐसे में बता दें कि जितने भी अगर संकट जीवन में या घर में होते हैं तो कई पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो इन संकटों को समाप्त कर देते हैं, लेकिन बिल्कुल विधि अनुसार ही इन पेड़ पौधों को लगाना चाहिए और इनकी नित्य पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि ये साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती से उत्पन्न हुए पौधे हैं। तो इसीलिए इन्हें घर में लगाने से बेहद ही खास लाभ की प्राप्ति होती है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहला जो पौधा होता है वह भगवान शिव से प्रकट हुआ है, जिसे रुद्राक्ष का पौधा भी कहा जाता है। अगर किसी घर में रुद्राक्ष का पौधा लगा दिया जाए और उसकी नित्य प्रतिदिन बिल्कुल नियम से पूजा पाठ किया जाए और उस पौधे का ध्यान रखा जाए तो इससे जितने भी ग्रह दोष होते हैं वे बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। खास करके जिन लोगों के जीवन में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है या फिर शनि ग्रह के दोष हैं, राहु केतु के दोष हैं, तो उन लोगों को रुद्राक्ष के पौधे की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। आपको केवल इतना करना है कि सुबह जब भी आप काम से निकलते हैं तो उस रुद्राक्ष के पौधे को जल देकर उसके पास एक दीपक जलाकर बस आप छोड़ दिया करें। अगर इतना भी कार्य कर लेते हैं तो इससे संपूर्ण ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। दूसरा पौधा है बेलपत्र का पौधा, जो कि साक्षात माता पार्वती से उत्पन्न हुआ है। यही वजह है कि बेलपत्र भगवान शिव को बहुत ही ज्यादा अति प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि जिस भी घर में बेलपत्र अगर लगाया जाए और वहीं से पत्ते तोड़कर भगवान शिव को रोज चढ़ाए जाए तो उस घर में कभी भी तांत्रिक बाधाएं, तंत्र बाधाएं, काला जादू की जो बाधाएं होती हैं वह उस घर में बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तंत्र मंत्र की जितनी भी समस्याएं होती हैं वो भी उस घर में बिल्कुल उत्पन्न नहीं होती हैं। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नित्य प्रतिदिन उस पौधे के, उस पेड़ के पत्ते तोड़कर आपको शिव जी को शिवलिंग पर अवश्य ही चढ़ाने हैं। अब जो तीसरा पौधा है वह भगवान शिव और माता पार्वती के संगम से उत्पन्न हुआ जो पौधा है वह शमी का पौधा है। इसीलिए शमी का जो पौधा होता है वह भगवान शनि देव को भी अति प्रिय होता है और यही वजह है कि भगवान गणेश को भी अगर शमी के पौधे के पत्ते चढ़ाए जाते हैं तो इससे जितनी भी कार्य में बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, वह बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। शमी का जो पौधा होता है वह बहुत ही ज़्यादा लाभकारी बताया गया है। उसके केवल पत्ते तोड़कर अगर भगवान श्री गणेश को चढ़ा दिए जाएँ किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले तो वो कार्य निश्चित ही होता है, और इसी के फूल अगर शिवलिंग पर चढ़ा दिए जाएं तो इससे मनोकामना पूर्ण होती है। अगर यही शमी का पौधा घर के बिल्कुल बीचों बीच होता है तो इसी से अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। घर की जो स्त्रियां होती हैं वे लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। यही वजह है कि उन्हीं को ये पौधे लगाने चाहिए और उन्हीं को इन पौधे की सेवा करनी चाहिए, जिससे पूरे घर पर ही सुख समृद्धि बनी रहे। क्योंकि जिस घर में स्त्रियाँ अच्छी होती हैं और नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ से जुड़े हुए कार्य करती रहती हैं तो उनके घर में कभी भी ग्रह कलेश नहीं होता है। परिवार एकदम प्यार से सभी लोग रहते हैं और उनका परिवार आगे बढ़ता हुआ ही चला जाता है, क्योंकि हर एक स्त्री केवल यही चाहती है कि घर के जितने भी लोग होते हैं वे सभी आपस में प्यार से रहें और आगे बढ़ते रहें। इसीलिए स्त्री जो होती है वह लक्ष्मी का स्वरूप होती है। तो यह जो तीन पौधे हमने आपको बताए हैं इन्हें लगाकर आप अवश्य ही ये उपाय, ये प्रयोग करना शुरू कर दें। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें, बेल बटन दबाकर रखें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव।